Hello guys, this is Mansi from avidyatik.in. Now we're starting with question number 5 of exercise 5.1. So in this question we have verify whether D is the midpoint of AG. So yahan pe aapko ye given hai, yahan pe point A hai, yahan pe point G hai. So aapko batana hai kya D means this point is the midpoint of AG. Midpoint kya hota hai? If I draw a line segment, let's suppose maine ye line segment draw kari hai aur ye 4 सेंटीमीटर की है, जो इसका मिड पॉइंट होगा वो इस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मतलब कि अगर ये पूरी 4 सेंटीमीटर की है तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 2 सेंटीमीटर, मतलब ये और ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, वो होता है मिड पॉइंट। एक लाइन के बिल्कुल मिडिल में जो पॉइंट आता है, जो लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट इज द मिड पॉइंट। सो यहाँ पे पूछा है क्या डी ए जी का मिड पॉइंट है, तो हम कैसे देखेंगे? देखो, ए से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है 1, 2, 3, ये बीच का हम गैप देख रहे हैं, दिस इज 1, 2, 3, कितने का है? 3 यूनिट्स का गैप है। ओके, सिमिलरली अगर डी से जी तक देखे, सो डी जी इक्वल्स टू अगेन 1, 2, 3, सो अगेन 3 यूनिट का गैप है, मतलब कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी, बिकॉज उसने ए जी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सो दैट्स व्हाई वी कैन से डी इज द मिड पॉइंट। ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।